दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को एक ऐसी बेस्ट रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से अगर आप अपने फ्रेंड वगैरह का रिचार्ज करते हैं, फैमिली मेंबर का रिचार्ज करते हैं, अपने रिलेटिव वगैरह का रिचार्ज करते हैं, किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे रिचार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा कमीशन मिलेगा और आप इससे यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का रिचार्ज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन काफी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक रिचार्ज पे काफी हाई कमीशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि आप दूसरों का रिचार्ज करके यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो उस लिंक पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप फर्स्ट टाइम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करके आपको उसमें लॉग इन कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। अब आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे ऐड मनी का, तो यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हैं तभी आप यहाँ पे रिचार्ज कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है ट्रांसफर का, अगर इसी एप्लीकेशन में आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो आप वहाँ पे इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो जितने भी रिचार्ज आप यहाँ पे करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर आपको यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं कि प्रत्येक रिचार्ज पर आपको कितना मार्जिन मिलने वाला है, किस कंपनी के रिचार्ज पे आपको कितना परसेंट मिलेगा। तो चलिए मैं मार्जिन पे टैप करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो आपको 2.30% का यहाँ पे कमीशन मिलता है। अगर आप जियो का रिचार्ज करते हैं तो 3.50% का आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। अगर आप वीआई का रिचार्ज करते हैं तो 3.40% का आपको रिचार्ज आपको कमीशन मिलता है। अगर आप बीएसएनएल का टॉपअप करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 4.5% का आपको यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ से आप डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो डीटीएच रिचार्ज आप किसी भी कंपनी का करें सब में आपको 3.60 का यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। इसके अलावा पोस्टपेड वगैरह और इसके अलावा बिल पेमेंट वगैरह पे आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। तो बेसिकली एक रिचार्ज एप्लीकेशन है, यहां से आप रिचार्ज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है। अब चलिए जैसे कि यहां से बैक ले लेते हैं। अब अगर आपको यहां पे रिचार्ज करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहां पे पैसे ऐड करने हैं। तो पैसे ऐड करना है पे काफी आसान है, ऐड मनी में आपको टैप करना है और यहां से आपको अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। आप यहां पे मिनिमम ₹10 भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहां पे अमाउंट देना है, अमाउंट देने के बाद आपको ऐड मनी करना है, के बाद आपको अपना पेमेंट मेथड चुन लेना है। आप यहां पे यूपीआई वगैरह किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू मनी ऐड कर सकते हैं। अब मनी ऐड करने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर आपको रिचार्ज किस तरह से करना है। यहां पे आपको प्रीपेड का ऑप्शन मिलता है, प्रीपेड पे जाना है। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, इसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, यहां से अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, यहां पे आपको अमाउंट दे देना है कितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं। और अगर आप प्लान देखना चाहते हैं तो यहां व्यू प्लान पे टैप करके आप यहां पे प्लान भी देख सकते हैं। और इसके बाद में यहां पे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और यहां पे रिचार्ज कर देना है। तो इस तरह से आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं। अब रिचार्ज करने के बाद आपका कमीशन आपको यहां पे शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रिचार्ज किया था जियो का ₹15 का, तो उसमें मुझे 0.50 का यहाँ पे कमीशन मिला था। चलिए जैसे कि मैं रिपोर्ट में ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं रिपोर्ट ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जियो के नंबर पर ₹15 का रिचार्ज किया था, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था 0.53। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छा कमीशन मिलता है। अब इसमें आपको पता है कि हमारे फ्रेंड वगैरह को रिचार्ज की जरूरत पड़ती रहती है, हमारे रिलेटिव वगैरह को भी रिचार्ज की जरूरत पड़ती रहती है। अगर आप रिचार्ज का काम स्टार्ट कर देते हैं तो वो लोग आप ही से रिचार्ज कराएंगे और आप जितने ज्यादा यहाँ पे रिचार्ज करेंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी दूसरों के नंबर को रिचार्ज करके यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छा कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।